अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे सबको सेहतों से नवाजे। अल्लाह हर घर के परेशानियों को दूर करे। जो 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 लोग मेरे को दुआ के लिए बोले हैं उन सबके दुआएं कबूल करे। और मेरे को भी दुआओं में याद रखिए। आप का हर घर के परेशानियों को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम डायमंड्स कुकिंग में वनीला और चॉकलेट का केक लेके आए हैं। दोनों मिक्स केक है ये। इसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स है। यह 1 फुल कप मैदा है, 1 हाफ कप कोको पाउडर है, 1 फुल कप शक्कर का पाउडर है ये शुगर पाउडर, 1 कप तेल है ये ऑयल, वनीला एसेंस है, 2 अंडे है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा है, 1/2 टीस्पून नमक है, 1 कप दूध है ये। अब बनाना स्टार्ट करेंगे अपन। एक बॉल ले ली मैं, 2 बॉल ऐसा रख लेंगे अपन। खाली अंडे की इसमें सफेदी 1 बॉल में डालेंगे अपन। 1 बॉल में पूरा जर्दी डाल देंगे ऐसा। अब ये अंडा ऐसे ही करेंगे अपन। चलिए देख सकते हैं 1 बॉल में 2 अंडे की सफेदी डाल ली में, 1 बॉल में अंडे की जर्दी है। ये साइड में रख लेंगे अपन। इसको ले लेंगे ये बॉल को अपन, बीटर की मदद से इसको अच्छा फ्लफी कर लेंगे। देख सकते हैं अभी अभी करेंगे इसको फ्लफी। चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से हो गया। देखिए कितना अच्छा, ऐसी ही चाहिए अपने को फ्लफी। चलिए अब इसको साइड में रख लेंगे अपन। नेक्स्ट अपन ये बॉल ले लेंगे, जर्दी का बॉल है, जर्दी रखे थे सो बॉल है। इसमें अपन शक्कर ऐड कर लेंगे, शक्कर का पाउडर है। तेल है 1 कप, दूध है, वनीला एसेंस है, 4 से 5 ड्रॉप्स डालेंगे अपन। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को, कोई लम्स नहीं रहना इसमें। चलिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब एक छन्नी रख लेंगे, मैदा ऐड कर देंगे पूरा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, तीनों चीजें हैं इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको छान लेंगे अच्छी तरह से। कभी भी आप छान के यूज करना क्योंकि अच्छा मिक्स होता है सभी चीजें। चीजों को मिक्स कर लेंगे। लम्स जरे भी नहीं रहना इसमें। चलिए अपन बीटर की मदद से एक बार फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो गया बेटर की मदद से। अब इसको साइड में रख लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो गया, कोई लम्स नहीं है देख सकते हैं। ये सारा अपन एग वाइट का फ्लॉप करके रख लिए थे, इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसा डाल के मिक्स कर लेंगे अपन।
आहिस्ता किसे करना है इसको, ऐसा फोल्ड करना, खाली ऐसा हिलाना नहीं, जल्दी जल्दी जल्दबाजी नहीं करना है इसमें, खाली फोल्ड करना है अपने को। देखिए कितना आसानी से हो रहा फोल्ड, ऐसा तेज 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 मिक्स नहीं करना है इसको, नहीं तो अपना अंडा केक फ्लॉपी नहीं बनता। खाली ऐसा फोल्ड करेंगे अपन इसको, देखिए कितना अच्छा बन के रेडी हुआ, देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ, ऐसी ही चाहिए अपने को। चलिए एक बॉल ले लेंगे अपन, एक बॉल ले ली मैं एम्प्टी बॉल, इसमें हाफ इसमें ऐड कर देंगे ये। हाफ इसमें डाल दी मैं, हाफ इसमें डाल दी, अब इसमें ये साइड में रख लेंगे, ये ले लेंगे। अब इसमें कोको पाउडर है हाफ कप, इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेंगे अपन इसको। अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे इसको, चलिए देख सकते हैं पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसको साइड में रख लेंगे अपन। चलिए बेकिंग बॉल ले लेंगे, एक बेकिंग ट्रे है ये अपन जिसमें केक बेक करते, इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे अपन, ऑयल ऐड कर दे रही हूँ। एक ब्रश की मदद से अपन अच्छी तरह से फैला लेंगे इसको, ऑयल को। अच्छा राउंड पूरा फैला लेंगे। अब इसमें मैदा छिनकेंगे अपन, पूरा अच्छा चारों तरफ से पूरा, ताकि अपना केक इसमें चिपके नहीं। देखिए पूरा निकल गया मैदा। चलिए अपन बेकिंग ट्रे में अब डालना स्टार्ट करेंगे। पहले अपन वनीला केक का बैटर डालेंगे अपन, सेकेंड अपन चॉकलेट बैटर डालेंगे, वनीला बैटर डालेंगे, फिर चॉकलेट बैटर डालेंगे। बहुत इजी है ये रेसिपी, बहुत मज़ेदार बन के रेडी होता। इसी तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे अपन बना के। कितनी ईजी है देखिए आप, कितना अच्छा बना रही हूँ मैं। बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये केक। चलिए पूरा कंप्लीट हो गया, ऐसे ही डाल देंगे अपन। चलिए पूरा कंप्लीट हो गया अपना केक। चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है अपना वनीला और चॉकलेट केक। अच्छा इसको टैप टैप करेंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो ऐसा।
चलिए अब ओवन में रखेंगे अपन इसको। चलिए ओवन में रख रही मैं इसको। चलिए फाइन, 10 मिनट्स के बाद फिर बताऊंगी मैं आपको। चलिए देख सकते हैं अपना केक बन के रेडी हो चुका है। अब इसको खोल लेंगे अपन। कितना अच्छी तरह से फ्लफी बना, देखिए आप। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने तरह से बचाइए। कितना अच्छा बना देख सकते हैं, कितना नरम कितना मुलायम है, देखिए आप। कितना अच्छा बना, कितना अच्छा हुआ देखिए चारों तरफ से। और इसको कट करके बताऊंगी मैं। चलिए इसको कट करेंगे अपन। कितना नरम बना देखिए आप। चलिए एक पीस कट करके बताऊंगी मैं। ओफो देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा बना केक देखिए आप। वनीला और चॉकलेट केक है ये। इसके पीसेस निकाल लूंगी मैं, देख सकते हैं सारे पीसेस मैं कट कर ली। अब इसमें अपन चॉकलेट सिरप ऐड करेंगे। माशाल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत देखिए इतना नरम बना। चलिए मैं टेस्ट करके बताऊंगी मैं। कितना नरम बना देख सकते हैं, देखिए कितना नरम बना केक अपना। ऐसे ही चाहिए देखिए आप, पूरा वनीला भी आया इसमें, चॉकलेट भी आया, बहुत अच्छा बना। बहुत प्यारा बना केक अपना। चलिए देख सकते हैं, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जब तक कि अल्लाह हाफिज़, शबा खैर, दुआओं में याद रखिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। जो भी कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो नए करे प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँगी मैं, दुआओं में याद रखिए।